So let us solve some problem related to the topic area under the curve to clear our ideas. तो सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं नंबर 1 फाइंड द एरिया y = √6x + 4 x = 0, x = 2. तो यहाँ पर हमें सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रल a to b y dx. सो इज इक्वल टू इंटीग्रल. अब यहाँ पर हमें लिमिट वैल्यू गिवन है x = 0 to x = 2. सो a को हम रिप्लेस करेंगे 0 से और b को रिप्लेस करेंगे 2 से. देन y dx, y की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. y को हम रिप्लेस करेंगे √6x + 4 into dx we write as it is. अब स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन हम पावर रूल से निकालते हैं. सो इसे हम सिंपली वैसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 2 6x + 4 (bracket raise 1/2) into dx. अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं बाय यूजिंग पावर रूल. तो 6x + 4 सेम रहेगा, पावर में 1/2 है, वहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे तो हमें मिला 3/2 / 3/2 इंटू x का कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि x का कोएफिशिएंट है 6, उसके बाद ब्रैकेट टोटली कंप्लीट एंड देन लिमिट 0 to 2. उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्व किया है तो 2 × 1 = 2, 3 × 3 कैंसलेशन हो रहा है. देन 3 × 3 = 9 कांस्टेंट टर्म है, सो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं. सो टेक 9 कॉमन फ्रॉम द लिमिट, सो हमें मिला 1/9 ब्रैकेट में रह गया 6x + 4 ब्रैकेट रेज 3/2 रह गया. देन लिमिट 0 to 2. तो सबसे पहले 1/9 वी राइट एज इट इज. अब x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से दैट इज 2 से, तो हमें आंसर मिलेगा 6 × 2 + 4 होल ब्रैकेट कंप्लीट रेज 3/2. Then we put minus sign. Then second bracket. अब हम replace करेंगे x की जगह पे lower limit. That is x को हम replace करेंगे 0 से. तो हमें क्या मिलेगा 6 × 0 + 4 bracket complete raise 3/2 और उसके बाद square bracket totally complete. So is equal to 1/9 on further simplification. 6 × 2 = 12. 12 + 4 हो गया 16. Raise 3/2. Then minus 6 × 0. तो हमें आंसर मिला 0 + 4. तो टोटल आंसर हो गया 4 raise 3/2 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. So is equal to 1/9. 16 को हम लिख सकते हैं 4 whole square. तो मैंने उसे लिखा 4 square ब्रैकेट कंप्लीट रेज 3/2. देन माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर नंबर है 3/2 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर न्यूमरेटर पावर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 2 कैंसल हो रहे इन बोथ टर्म, सो वी लेफ्ट विथ 1/9 ब्रैकेट 4 का क्यूब, दैट इज 4 × 4 × 4, that gives you answer 64 minus 2 ka cube 8. So now we have to subtract 8 from 64. So we will get 56/9 और area है, इसके लिए square units लिखना जरूरी है। So इसी तरह हमने एरिया रिलेटेड एरिया अंडर द कर्व रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y = √(6x + 4, x = 0, x = 2। तो इस एरिया का हमें आंसर मिला 56/9 स्क्वायर यूनिट्स।